माय नेम इज़ मारिया और आज जो मैं आप लोगों के साथ अपनी सिंपल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है मिर्चे भरी हुई, यानी कि मोटी मिर्चें हैं ये। इनके अंदर मैं मसाला भरूँगी और जो मसाला मुझे चाहिए उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए। मैंने इमली पहले से भिगो के रख दी थी, इसको हमने थोड़ा पानी डालना और बस भिगो देना, क्योंकि हमें इसका थिक थिक चाहिए, थिक थिक सा मटेरियल, यानी कि ये थिक हो, बहुत ज़्यादा वाटरी होगी तो उनमें उनको भरना आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए जो हम करेंगे वो है ये धनिया, साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा। ये मैं डाल के इसमें दर दरा सा पीस लूँगी, फिर मैं इसको इमली में मिलाऊँगी और फिर मैं इनको बीच में से काटूँगी और फिर इनको मैं फिल करूँगी और फिर ये हल्का ऑयल में फ्राई होंगी। मैंने अपनी इमली उस मसाले में मिला ली है, जो मैंने कूटा था मसाला, यानी कि अपना साबुत धनिया था मेरा इसमें, सौंफ थी और ज़ीरा था, और मेरी जो इमली जो भीगी हुई थी ठीक वो मैंने सुन लाई, थिक थिक सा ये मसाला होगा देख सकते हैं आप। और ये मेरी मिर्चें हैं जो मैंने काट ली हैं, देखें इस तरह से करके इनको छुरी से काट लीजिए और फिर एक छोटे चम्मच से या अपने हाथ से जितना इसमें आ सकता है मसाला भरें। मैं अब इसमें मसाला फिल करूँगी, फिर इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी हल्के से कम ऑयल में। फ्रेंड्स, मैंने अपनी मिर्चें जो है देखें वो मसाले से भर ली हैं, इनको मैंने भर लिया है। और अगर मैंने यहाँ पर कढ़ाई रखी है अपनी, मेरी कढ़ाई भी जो इसका पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं इसमें ऑयल मिलाऊँगी और इसमें कम से कम मैंने तो अंदाजे डाले कम से कम एक ये बड़ा दो चम्मच जो है आप इसमें डालें, ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करनी। आँच मैंने बढ़ा दी है क्योंकि हमने इनको आखिर में ऑयल में डुबो के यानी कि छोड़ देना ऑयल में। अब मैं इनको एक एक करके इसमें डालूंगी, इनको फ्राई करूंगी। और ये फ्रेंड्स, ये वाली जो मिर्चें जो फिल्ड हैं मसाले के साथ, ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी बात मेंशन कर दूँगी, शायद मैंने नमक आपको मेंशन नहीं किया, लेकिन इसमें मैंने नमक डाला है कम से कम एक चम्मच के करीब, आप भी डाल सकते हैं। हम इसको अच्छे से रखें, हल्की आँच पे फ्राई कर लें। मैंने आँच स्लो कर दी है बिल्कुल, अब आपने इनको स्लो आँच पे ही फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना। तो ये अभी खुद भी ऑयल छोड़ेंगे हल्का हल्का। बस फर्स्ट ऑयल ऊपर आ रहा है, मैंने आँच ही तेज कर दी है, अब इनको तेज़ आँच पे अच्छे तरीके से फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा हिलाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तो ये इसी ऑयल में फ्राई हो जाएंगे। जो बहुत मज़े की आ रही है, ठीक है, इमली की वजह से बहुत चटपटी बनती है ये देखो, खुद बहुत फ्राई होना शुरू हो गई है, ये देखें बिल्कुल अचार की तरह होती है। मैं इनको थोड़ा फ्राई करके फिर इसी में छोड़ दूँगी, फिर ये रेडी हो जाएंगे। ऑयल में भी जो है टेस्ट आ जाएगा इन मिर्चों का। अब इनको बस हमने 5 मिनट और पकाना है, फिर इनको ढक देना है, फिर ये रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए मेरी मिर्चें बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हैं, फ्राई हो गई हैं। मैं इनको हल्का सा पलटूंगी, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा, बस ये रेडी हैं। आई होप कि आपको मेरी ये भरी हुई मिर्चों की रेसिपी, सिंपल रेसिपी समझ आई होगी।
जो भी हो कोई भी लड़की आराम से इसको ट्राई कर सकती है। अब मैं इसको चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दूँगी। अब इसको मैं ढक दूँगी। आप इसको ढक दें और इसको छोड़ दें कम से कम 1-2 घंटे के लिए, फिर ये बिल्कुल ऑयल छोड़ देंगी और बहुत मज़े की होंगी। आई होप कि आप मेरी सिंपल रेसिपी जो मिर्च मसाले की है, भरी हुई मसालों की, पसंद आई होगी और आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माय नेम इज़ मारिया। थैंक यू। बाय बाय।